देख हमारा डिसाइडेड है, इसने मेरे को कमिट करा है कि ये मेरे से शादी करेगा और तू हेल्प करेगा, अब तू बता है कि क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी कैनी और आज है हमारे साथ रोनित जो कि अनिरुद्ध का कजिन है। तो मैंने इसको डीएम किया था इंस्टाग्राम पे, हम एक ही बारी मिले हैं, तो मैंने इसको डीएम किया था प्रैंक करने के लिए अनिरुद्ध पे। तो आज बहुत मजेदार प्रैंक होने वाला है, अनिरुद्ध को ये लेने जाने वाला है और मैं उससे पहले ही आगे बैठ चुकी हूँ गाड़ी में, तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होने वाला है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को देखना एंड तक, आपको पता लग जाएगा, बाकी टाइटल देखे आप समझ ही गए होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। बैंड बजने वाली 20 minutes later. पीछे आ जा, पीछे पीछे। ये कहां से, इसे कहां से उठा लाया तू? अरे तो पीछे आ जा, आ जा। है बे? हाँ। इसे कहां से उठा लाया? भाई मेरे घर से लेके आए मेरे को। तुम दोनों एक साथ कैसे आ गए भाई? अरे तो क्यों नहीं आ सकते एक साथ, एक बार मिले तो थे हम दोनों पार्टी में, याद होगा तेरे को, तब से हमारी बात हो रही है। अच्छे हाँ। सही होता हाँ। हाँ। तब से हमारी बात हो रही है। दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ ना है। और देख इतने टाइम से हमने तेरे एक बात छुपाई थी, तो आज वो भी हम तेरे को बताना है। क्या? तू तो पहले मुझे लेने आने वाला, साले एक घंटे से इंतजार कर रहा हूँ घर बैठ के। घर बैठ के इंतजार होता है? और क्या हुआ है? अगर रोड पे खड़ा होता उसको इंतजार बोलते हैं। इंतजार कहीं भी करो वो इंतजार ही होगा। तू पहले ही बता, तू इसे कैसे ले आया पहले घर से? तू मतलब पहले वहां गया आनंद ग्राम? भाई हम तेरे को एक बात बताना चाहते हैं दोनों। हाँ, आज हाँ। तो इसीलिए मैं इसे पहले ले आया। ज्यादा मतलब ज्यादा शॉकिंग वाली बात क्या कर रहे हो तुम? पहले बात बताओ क्या बात है भाई। देख रिएक्ट मत करियो ज्यादा, ठीक है? हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं काफी टाइम से, और हमने तेरे को इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर वो पागल बना रहे मुझे ले रहे हो ना, प्रैंक कर रही है, पागल है, प्रैंक करोगी? और एक सेकंड इसके साथ मिलकर कैसे प्रैंक कर सकती हूँ? मैं एक ही बारी मिली हूँ पार्टी में, इसके साथ मिलकर मैं कैसे प्रैंक कर सकती हूँ? मैं बहुत सीरियस हूँ, हम सीरियस बात बताने आए तेरे को। ये हम इतने टाइम से तेरे से इसलिए छुपा रहे थे क्योंकि हम सोच रहे थे कि सही टाइम आएगा तो बताएंगे। सही में डेट कर रहे हैं दूसरे को? हाँ भाई, क्या दिक्कत है उसमें? 6-7 महीने हो गए हमको। 6-7 महीने हो गए? हाँ। याद है जब हम 6-7 महीने तो पार्टी में गए हैं, तो 6-7 महीने तो उस दिन के बाद से डेट कर रहे हो? हाँ। भाई तुम तो बहुत तेज हो रहे हो, रैपिड ट्रेन हो रहे हो, कहते तुम तो है। क्यों तेज क्या हो रहे इसमें? तो भाई यार अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ है, तो ऐसा थोड़ी है कि साले टकले। कौन सी पर्सनल लाइफ है तेरी? कौन सी पर्सनल लाइफ है तेरी मेरे से? तुझे सिर्फ हम बता, साले अच्छे तक मेरे पहन लेता तू, पर्सनल लाइफ है तेरी ये? तू तो मेरे से ये कह रहा था कि भाई मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, मेरे ऑफिस वाले जो है मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरी एक्स की शादी होने वाली है, तो मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ, स्ट्रेस फ्री होना चाहता हूँ। तो ये मेरे से तो बात कर रहा था इतने टाइम से, बस हमारा ना बहुत हम कैजुअल ले रहे थे चीजों को। तो रो क्यों रहा भाई फोन पे? भाई रो नहीं रहे थे, देख मेरी बात, हम तेरे को सब बताना चाहते थे इसलिए हम। और तू वैक्स करवा के आया हाथ पे? तो अरे वैक्स से इस चीज का क्या मतलब है? तेरे को हर चीज फन लगती है कि भाई सीरियस बात है? और इवन तेरे से हम इसलिए बात करने आए हैं, मतलब तुम्हें दोनों को थोड़ी सी शर्म आई? सुन, थोड़ी सी तुम्हें इतनी भाई शर्म किस चीज की? मतलब सारे ये मेरे मामा का लौंडा, ठीक है? मेरी बात सुन ले, शादी की सोच रहे, तू हेल्प करेगा, हम शादी की सोच रहे हैं और तू हेल्प करेगा, इससे ब्याह कराएगा तू? तेरी भाभी अब चल भाई, पागल तुझे पता है पापा नहीं मानने के, तू ही मनाएगा। हाँ, इसीलिए तेरे से बात कर रहे हैं। हाथ जुड़वा ले ऐसे करके, इतने लंबे हाथ जुड़वा ले, मुझे ना पिटना। क्यों भाई, सबकी लव मैरिज होती है, तू हेल्प नहीं कर सकता हमारी? तू मेरा लव मैरिज होती है, मेरे घर वाले जो ना मेरा पिछवाड़ा तोड़ देंगे, ठीक है? अब तुम एक चीज बताइए साले, वैसे तू हगने मूत्र तक की मुझे बतावे, तेरे पे ना बता गया गर्लफ्रेंड बना रखी तूने 6-7 महीने के, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी। तो भाई इसलिए तो तेरे पास आए हैं बताने के लिए। अनिरुद्ध बता दे, अब तू अपने घर पे बताएगा कि नहीं बताएगा? ना बता रहा यार, हमारी हेल्प नहीं कर रहा। कैसा भाई है यार तू, कैसा भाई है तुम्हारा? भाई के लिए इतना नहीं करेगा? जी तो मेरा ऐसा कर रहा, तेरे को नहीं बजा दूं। क्या क्या कमी है मेरे में बता दे। चलिए कमी छोड़, तू कमी तो मैं कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत ना, चल कोई ना, ठीक है? कम से कम आदमी एक बार बता तो दे। तो हम मतलब पिछले एक डेढ़ साल से हम वीडियो बना रहे हैं ना साथ में। हाँ।
हम मतलब हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो बनाते जब भी तुमने ना बताया मुझे यार, तो मैं सही टाइम आता जब हम ये सीरियस होता यूं करके यूं चैट करती रहे भाई, इस मारे करे ना तू तो भाई तेरे को बता तो रहे हैं आज और क्यों क्यों बैठे हैं आज भी क्यों बता दिया इसलिए मिलना आया तू मेरे से। अरे ये अपनी एक्स से निकल नहीं पा रहा था। अच्छा क्यों वो तो घर का दरवाजा जा उसमें से निकल पा रहा यार, तू सीरियसली तू मजाक ले रहा है यार इस चीज को। पहले तो बेल्ट हटा, खड़ी गाड़ी में बेल्ट पहने बैठा, दिमाग खराब कर रहा। इससे हम सीरियस बात करने आया, ये फन ले रहा है, कैसे बात करेगा ये घर पे। मामा का फोन आ रहा कि पहुंच गया मामा से बता रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, नहीं, नहीं मेरे भाई मेरी बात तो सुन। अरे पहले पूरी बात सुन ले तब बता दियो मामा को। और वैसे भी तुझे ही बात करनी है, तुझे ही बात करनी है हमारी शादी के लिए, हमारा डिसाइडेड है अब। इसलिए पापा तो तेरी सुनेंगे। देख हमारा डिसाइडेड है, इसने मेरे को कमिट करा है कि ये मेरे से शादी करेगा और तू हेल्प करेगा। अब तू बता है कि क्या है भाई, मैं ना कर सकूं भाई क्या है यार, तू हमारे लिए इतना नहीं कर सकता। देख भैया सिंपल सी बात है, मैंने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड ना बनाई ठीक है, क्या चक्कर में कि भैया घर वाले चूतड़ तोड़ देंगे तो मैं तेरी कैसे हेल्प कर दूंगा। तो भाई तो भाई तेरे घर वाले मेरे को तो जानते हैं, जानते हैं मेरे घर वाले मुझे मारेंगे ऐसा कुछ ना कहना कि तू जागा वीडियो बनाने। अगर मेरी से शादी हो जाती है तो भाई अच्छी बात है ना, मैं तेरी भाभी बन जाऊंगी, तेरे साथ ही वीडियो बनाया करूंगी। बता साथ में भी तीनों बनाया करेंगे मिलकर वीडियो, क्या दिक्कत है। मेरे समस्या पर है भाई, तुम तो बुद्धि खराब कर रहे हो मेरी। बता फिर बात कर। मैं ना कर रहा, मैं एक बार मामा से बात कर लूं जरा। भाई तू फोन क्यों मिला रहा है, तेरी बात तो सुन ले पहले भाई। अरे रुक जा, मेरी बात तो सुन ले। मामा से बात तो करने दे, मामा को बता दो ना, अभी बता दे तू। देख शादी करवा दे हमारी ठीक है, साथ में मिलके वीडियो बनाया करेंगे मस्त। सेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तुमने तो आपका। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रिश्ता यार, मैं भाभी तेरा भाई और तू तू भाई। सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा, उल्टी आ रही है, लैटरिंग लग गई मेरे एकदम से। बकवास मत कर ठीक है, सीरियस बात। दिक्कत क्या है यार, अच्छी तो है, इतनी अच्छी क्यूट सी लड़की मिल रही है तेरे को। कहाँ है क्यूट, कहाँ है ये तो बात, मतलब फिर भी है क्यूट है यार। भाई चल भाई, मैं तो मामा को बता, भाई मामा का क्यों फोन कर रहा है बार बार। अरे रुक बात सुन ले हमारी, पहले पूरी बात तो सुन ली ना। अभी तीनों मिलके वीडियो बनाया करेंगे ना, मैं तेरी भाभी बन जाऊंगी और तुझे क्या चाहिए भाई। मामा से बात मत कर भाई। सुन सुन सुन, साले मुझे मरवाओगे ना भाई, तेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं मजाक से लग। भाई फोन काट दे, फोन काट दे, फोन काट दे, फट गई। फोन मिलाया बिना मैंने, मुझे पता ही प्रैंक कर रहा तू हराम खोर। ये तुमने इसलिए बोला जिससे तू फोन काट दे। सीरियस है यार अन्नी, बता चल, प्रैंक नहीं। मैं जा रहा हूँ अपने घर को। भाई भाई सुन तो ले, सुन 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 मैं सच में प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक नहीं कर रहे यार, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार। अरे दिमाग मत खराब करो तुम, जन्मों जन्मों से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, जन्मों जन्मों जन्म सात जन्म का वादा है। जन्म तो बोला जा रहा है इसमें तो भाई मैंने बोल दिया ना, निकल ले भाई 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 सुन अच्छा सुन सुन बात खत्म हो गई। अबे भाई तुम पागल हो, कोई मतलब भी ना बनता भाई, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी चीज। चल चल ठीक है, चिल कर। सच ये है कि हम एक दूसरे से सच में ही बहुत प्यार करते हैं, सच यही है। तो करो भाई तुम। अच्छा तो भाई तू कहाँ जा रहा है यार, तू कहाँ जा रहा है, तो तू कहाँ जा रहा है, कहाँ थूका जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है। अच्छा अन्नी चल, बहुत देर होगी, तेरे को तो पसीने आ गए, तेरी हालत खराब होगी क्या। हालत ना खराब होगी, मेरी बुद्धि खराब होगी। फिर चल, अगर हम दोनों की शादी होगी तो तुझे कैसा लगेगा, हम अगर भाग के शादी कर ले आज, हम चले जाए भाग के, तो तुझे कैसा लगेगा बता। कुछ ना होने का, मेरा पिछवाड़ा टूटेगा, घर वाले मेरी चूतड़ों पर सोटा बजाएंगे गिर के। तो गाइस इस डेस्क बोर्ड के पीछे लगा हुआ छोटा सा कैमरा। तो गाइस देखो अनिरुद्ध शर्मा की तो हो गई हालत खराब, पसीने पसीने हो गया वो ठीक है। ये एक्चुअली मेरी इससे कभी बात ही नहीं हुई, आज ये आने वाला था, तू नहीं बताया था दो दिन पहले, तो मैंने इसको पहले डीएम कर दिया था। तो भाई अनिरुद्ध शर्मा की तो हो गई हालत खराब, हालत खराब ना हुई है यार। तुम एक चीज बताओ, कॉम्प्लिकेटेड ना होगा मैटर सारा, बस यू का है, वीडियो बनाते घर ही पकड़ लिया ना हमारा। तो घर ही आओगे तुम्हारे, अब चल तेरे किसी भी एक भाई को पटाके ना भैया, मेरे सारे भैया जो ना अपने सब भैया करके अपना बढ़िया सेटल है ठीक है। तो चलो गाइस वीडियो प्रिंस का भी करवा दूंगा, तो वीडियो को करना लाइक सब्सक्राइब कमेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रिंस से शादी करूंगी मैं।